वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1 नवंबर 2023 नूं बड़ा अहम दिन है। अहम इस करके कि जदों पंजाब की वंड की है, पंजाब नूं दे हिस्से किए, पंजाब दे टोटे किए है, वह 1 नवंबर 1966 नूं कीता सी। ते उदों तो हुण तक लगातार पंजाब की वंड टुक जारी है। तो 1 तरीक नूं एक पंजाब सरकार ने, मानयोग भगवंत मान ने, एक डिबेट रखी है। मैनू डिबेट ए घट ते ड्रामा वध लगता है। क्यों? क्योंकि डिबेट किहदे नाल करनी आ, किहदे नाल करनी है डिबेट? जिहड़े विधानसभा दे विच बैठे, जिन्हां नूं इह कहा जांदा सी कि इन्हां दा जवाब, इन्हां नूं जवाब देईए, ते उन्हां नूं डिबेट दे विच जवाब देना पऊगा। पहली गल तो यह है कि वह जिहड़े विधानसभा दे विच हुंदे आ वह पहले ही नहीं आउंदे। अकाली दल ने नहीं आना, बीजेपी नहीं आना, तो कांग्रेस इन्हां दी पक्की आड़ी है, कांग्रेस नाल इन्हां दी गठजोड़ है उपरों। तो की सवाल करनगे एक दूजे नूं? इन्हां दा जो तकरारबाजी आ, जो बहसबाजी आ, वह पहले ही लोग मीडिया दे विच, सोशल मीडिया से, विधानसभा देखते रहिंदे आ। मैनूं नहीं लगता भी इस डिबेट दे विचों पंजाब लई कुछ सार्थक निकलूगा। पर फिर भी जे करना ही करना है तो डिबेट करनी ही है, करनी है तो डिबेट का एजेंडा होना चाहिए पंजाब, पंजाबीयत ते पंजाब दे पक्ष विच। ते मैनू लगता है भी बहुत सारे मुद्दे आ जिन्हां दे डिबेट करन दी लोड़ है। ते डिबेट दे विच मैनू लगता भी आम लोगों नूं नाल करनी चाहीदी सी। पंजाब दे बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे किसान जथेबंदियों के आगू भी हैगे है, जिन्हां दे सवालों के जवाब देने बनते हैं, तो उन्होंने डिबेट की जा सकती सी। तां एस वाई एल का बड़ा रौला पिया है। मैनू लगता भी यह भी एक पक्ष होगा डिबेट दे विच। असल दे विच जिहड़ी इह कामां रौली पै रही है ये सार्थक नहीं है। ना तो पंजाब की धरती एस वाई एल बननी है, ना चलनी है। यह एक चुनावी मुद्दा है, यह एक चुनावी मुद्दा है। क्योंकि एस वाई एल बंद कर गया सीगा बलविंदर सिंह जटाणा, तो इन्होंने किसी ने चांदी की कही बना ली, तो किसी ने सोने का कढ़ाइया बना लिया, तो किसी ने चिट्ठी गुप्त रूप में उन्होंने पाती, तो किसी ने पैसे ले ले, तो अज भी केजरीवाल तो कहिंदा हरियाणे नूं पानी मिलना चाहिए। तो मैं कहना भी गल क्लीयर कर देन फिर जी 1 तरीक नूं डिबेट दे विच भी आप पार्टी दे की एजेंडा है, कि वह पानी देणगे। अकाली दल विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सारे मैं कहना भी हरेक पंजाबी दा विरोध कर रहा है। अगला एजेंडा है जिहड़ा वह भी क्लीयर कर देन भी की दविंदर पाल भुल्लर नूं जिहड़ी उहदी फाइल है रोकी हुई उहदे ते साइन कर देगी दिल्ली सरकार। बंदी सिंघां बारे सरकार का की स्टैंड है? अजे कल की गल है, 2 दिन होए है, एक धरिंदर शास्त्री नां दा हिंदू नौजवान दरबार साहब आया, पता नहीं उहदा किने पग दे विच सिर पसाता, तां उह एक सिख जापदा सीगा, पर उह गल की करके गया हिंदू राष्ट्र की, कहिंदा भी हिंदू राष्ट्र बनूगा, बने, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। पर जिन्हां ने सिख राष्ट्र की गल की उन्हां ते NSA क्यों लाया? जिन्हां ने पहला पंजाब वालिया ने जिहड़ा ईसाई पादरियां दे जिहड़ा वो कम कर रहे सी उहदा विरोध किया, तो उन्हां ते परचे करते। जे उन्हें उन्हां दा मजाक उड़ाया तो उहदे ते किहड़ा परचा किया है? अगली गल, पंजाब दे बहुत सारा घाण किया है, चंडीगढ़ पंजाब के हथों गया, उहदे ते की स्टैंड होगा? BBMB वो पंजाब की उहदे च हिस्सेदारी खत्म करती, उहदे ते की स्टैंड होगा सरकार का? मसला पंजाब दे पानी की लुट का केवल SYL राही नहीं, वो तो मसला ही नहीं हैगा। मसला यह है कि जिहड़ा पहला राजस्थान ते हरियाणे नूं दिल्ली नूं पानी जा रहा है उहदे ते की स्टैंड है इन्हां दा? उहदे ते रॉयल्टी मंगणगे कि नहीं मंगणगे? तो बहुत सारे मुद्दे होर भी है इस तों बिना,
रोजगार का मुद्दा है जे कल की गल है, एक प्रोफेसर उत्थे धरने दे विच ही उहने अपनी जान दे दित्ती। ते अज मैं एक लैटर नौकरी दित्ती जाएगी, तो मैनू नहीं लगता भी कोई इस जिहड़ी डिबेट होनी है 1 तरीक नूं भी उहदे विचों कोई पंजाब पक्षी गल निकलेगी। मैं आस करदा कि निकले, पर निकलो किद्दां जदों नीति साफ नहीं। ये तो वह गल होगी कहिंदे पिंडां दे विच जे पिंड दे विच जे चोर आ जावे तो बहुत सारे लोग कट्ठे हो जाते, तो चोर भी विच विचे उस भीड़ के कट्ठे होकर रौला पाउण लग जाते चोर चोर चोर। तो उवें इस डिबेट के होना है किहड़े किहड़े मुद्दों ते गल करनगे, क्योंकि कहण जोगा कोई भी कुछ नहीं कि सरकार ये गल पुछेगी पहलां वालिआं नूं भी तुसीं 70 सालां दे विच 2.5 लाख करोड़ रुपया पंजाब दे सिर चढ़ाता, ते असीं तां 50 हज़ार करोड़ 1 साल च चढ़ाता, कि ये गल दी डिस्कस करनगे। तां कोई भी अज वालिआं कोल ते पिछलिआं कोल कोई भी अजिहा पक्ष नहीं है जिहदे ते लोग ट्रस्ट कर सकन। ये तो उस गल की तरह है, कहिंदे भी एक पिंड दे विच दो चिक्कड़ चौधरी जे बंदे ना कट्ठ कर लिया पिंड दे विच, कहिंदे भी बड़ा नुकसान हो जूगा जे इलैक्शन होया, सरपंची चुननी है, सर्वसम्मति करनी है। वह दोवें आपस में कहन लगे 2.5 साल ये करूँगा 2.5 साल मैं करूँगा, लोग मूँह अन्नी देखते रहे। हाँ ठीक है, क्योंकि राष्ट्रवादी भी बहुते होंगे कहिंदे लड़ाई झगड़िया तो बचने लई ठीक है सरसम्मति कर लो। तो वह दो बंदे जिहड़ियां नूं कोई पिंड दे विच पुछदा नहीं सी वह कहिंदे सरसम्मति करांगे जी, सरसम्मति करांगे 2.5 साल ये करूँगा 2.5 साल मैं करूँगा। तो इहदा मतलब दूजे किधर गए सारा पिंड, उही इस डिबेट दे विच हाल है। डिबेट वास्ते किहनूं सद्दिया रहा जिन्हां नाल नित घाटो कलेस पैंदा है, ते जिहड़े डिबेट करना चाहुंदे है तुहानूं वार वार कहिंदे आ भी साडी गल सुणो, डिबेट साडे नाल ना करो, साडे कुछ सवाल है उहनां दे जवाब दे दिओ। ते पंजाब पक्षी जिहड़े लोग है उहनां नाल ना तां इह डिबेट कर सकन, ना इहनां च दम है, ना इहनां नूं उपरों दिल्ली तो खोली है उहनां दी जवाब उहनां दे जवाब देण दी, क्योंकि उन्होंने जवाब है ही नहीं। चंडीगढ़ पंजाब के हथों गया तो ये इन हथ पले की है, BBM भी गया इन्हों हथ पले की है, तो इन्होंने की किया है, दविंद्रपाल भुल्लर की रिहाई नहीं हुई तो सरकार की कर रही है तो क्यों क्यों कर रही है की दसनगे ये लोगों। सो मेरी अपील है कि जे डिबेट करनी है तो आम लोगों पंजाब दे विच्चों जरूर बुलाना चाहिए, तो उन्होंने सवालों के जवाब देने चाहिए, ना कि उत्तर काटो मैं चढ़ा वाली राजनीति। दो क चार क आपदे चहेते पत्रकार चार क सवाल करने वाले सद के लोगों की वाह वाह ना इउं खट्टी जानी है, तो ना कोई बहुती ये सार्थक सिट्टे निकलने हैं। सार्थक सिट्टे उदों ही निकलणगे जदों नीत साफ होगी। उही गल्लां जिहड़ियां ते सरकार बनी, बेअदबी दे मुद्दे ते सरकार बनी, फजूल खर्ची कर रहे इदू पहलां उस मुद्दे ते भी बनी, कि उदू बाद नवीं सरकार बनने तो बाद बदलाव आ गया कि बन गई, कि ये मुद्दे छड़ते। मैं तो एक दिन हैरान रह गया कि एक सिलंडर लैण वास्ते लोगों की लाइन लगी सी, तो मैनूं भुलेखा पै गया कि मुख्यमंत्री लाइन दे विच तां नहीं खड़ा, जिहड़ा मुख्यमंत्री पहला कहिंदा हुंदा सी मैं अजिहे दिन वेखणे है वेखणे चाहुंदा मैं ते मनप्रीत, भी जदों पंजाब दा मुख्यमंत्री लाइन दे विच खड़ा हो के सिलंडर लिया करूगा, तां तुसीं अज देख सकदे हां भी उह अपणियां कहीआं होईआं गल्लां ते किन्ना क पूरा उतरदे आ। सो आस ते उम्मीद नहीं छड्डणी चाहीदी, पंजाब लई ते पंजाबीयत लई कम करन वालिआं दी भी कोई घाट नहीं, पंजाब की धरती दे विच भी कोई घाट नहीं, पंजाब पक्षी सोच भी उभरेगी, पंजाब पक्षी लोग भी अपना रोल निभाउणगे, ते जिन्हां ने ड्रामे करने हैं वह ड्रामे भी करते रहणगे। सारिआं दा धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।